नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे आपके पास है 16 क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है इफ ए कॉमा बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस, हमें ये वैल्यू पता करनी है, ठीक है। कौन सी? अच्छा ए बी रूट्स हैं इस वाले, अगेन वही वाली बात है, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जीरो हटा दो ये बन गया पॉलीनोमियल, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन ऑफ पॉलीनोमियल में, ठीक है। तो यहां पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, समझ लो कौन सी, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जीरो हटा दिया भाई पॉलीनोमियल बन गया, इसका जीरो ए और बी है, तो अगर आपके इसकी जीरोस अगर ए और बी हैं तो ए बी मतलब अल्फा और बीटा है, क्या है, ए बी मतलब अल्फा, तबीयत खराब होने की निशानी आ चुकी है, ठीक है। तो यहां पे ए और बी रूट्स हैं, तो अगर ए बी रूट्स हैं तो हमें पता है ए प्लस बी हम करते हैं, तो अगर हम ए प्लस बी करें यहां पे अल्फा प्लस बीटा तो वो क्या होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए, यानी माइनस का 5/2, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, क्या वो 5/2 आ जाएगा, और ए इंटू बी होता है क्या अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सी अपॉन ए 16/2 से क्या वो बीटा 8 आ जाएगा, चेक कर लें क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है अल्फा इंटू बीटा आ गया, ठीक है। ये दो रिजल्ट हमने निकाल के रख लिए, अब निकालना क्या उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, आपको निकालना थोड़ा खतरनाक सा टर्म है, क्या लिखा है ए स्क्वायर अपॉन बी की होल पावर है 1/3, और यहां पे है बी स्क्वायर की पावर, बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये दो रिजल्ट हमने निकाल लिए हैं, अब देखते हैं इसका कैसे यूज करने वाले हम लोग, ठीक है देखते हैं जरा। अगर ये पावर 1/3 है बेटा तो ये पावर जो 1/3 है वो दोनों को मिलेगी, मतलब इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, दोनों को मिल जाएगी, तो कैसे आएगा, तो ये जब पावर इसको दोगे तो ये बन जाएगा ए की पावर 2/3 अपॉन, इसको भी दोगे तो ये बन जाएगा बी की पावर 1/3, ठीक है प्लस ये पावर इसको भी दोगे तो ये बन जाएगा बी की पावर 2/3, इसको भी दोगे तो ये बन जाएगा ए की पावर 1/3, समझो बात को, क्या आपको ये बात समझ में आती है, क्या आपको ये बात समझ में आती है, अच्छा जी अगर समझ में आती है तो अब जरा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में आएगा बी की पावर 1/3 और यहां आएगा ए की पावर 1/3, ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए की पावर 2/3 के साथ आ जाएगा ए की पावर 1/3, सिमिलर बी की पावर 2/3 के साथ आ जाएगा बी की पावर 1/3। अब अगर बेस सेम है तो बचपन से सीखा है पावर एड हो जाती है, तो 2/3 में अगर 1/3 ऐड करोगे तो 3/3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझ रहे हो, तो इसका मतलब है ये तुम्हारा फाइनली ए आ जाएगा और ये तुम्हारा बी आ जाएगा, और ये ए बी की पावर सेम अगर है तो इसको हम ए बी की होल पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/3, ए प्लस बी हमारा 5/2 है ध्यान से देखो, और ए बी हमारा 8 है, तो ये 5/2, 8 होता है 2/3 और ये है 1/3, 3/3 कट गया, या ऐसे भी समझ लो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 ही तो होता है, तो 5/2 है और एक 2 और आ गया, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या 5/4 आंसर आ जाएगा, क्या आंसर बी पार्ट है 5/4, क्या बात है, काफी बच्चों ने बता दिया आंसर बी पार्ट है, 54% बच्चों ने आंसर बताया बी पार्ट, तो इसका आंसर है 5/4, कितना आंसर है 5/4 है बी पार्ट, ठीक है।